पिछले कई महीनों से मैं लगातार गुजरात आ रहा हूँ। लोग बहुत दुखी हैं गुजरात के। पिछले 27 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, उनमें बहुत अहंकार आ गया है। वो सुनते ही नहीं है किसी के। वो कहते हैं कि क्या कर लेंगे लोग हमारा, लोगों के पास तो ऑप्शन ही नहीं है। कांग्रेस को वोट देंगे तो हम कांग्रेस के एमएलए को खरीद लेंगे, हमें काम करने की क्या ज़रूरत है। आम आदमी पार्टी पिछले कई दिनों से जनता के सामने जनता के मुद्दों के ऊपर चर्चा कर रही है। हम एक पॉजिटिव कैंपेन चला रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम महंगाई से कैसे आपको छुटकारा दिलाएंगे, बेरोजगारी से कैसे छुटकारा दिलाएंगे, युवाओं के लिए क्या करेंगे, महिलाओं के लिए क्या करेंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे। आज हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य की गारंटी देने आए हैं। गारंटी मतलब कि अगर हम काम ना करें तो हमें अगली बार वोट मत देना। तो मैं बाद में बात करूंगा, आज मेरे को बहुत खुशी है कि दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री, ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने बोला है, अमेरिका के सबसे बड़े अखबार के फ्रंट पेज के ऊपर, जहाँ पे दुनिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, दुनिया भर के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपनी फोटो देखने के लिए तड़पते हैं, वो न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे मनीष सिसोदिया जी की फोटो छपी और उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं। आज मैं उनको साथ में लेके आया हूँ। गुजरात के बच्चों का भविष्य हम कैसे बनाएंगे, गुजरात के बच्चों को हम कैसे अच्छी शिक्षा देंगे, पहले ये उस पर बात करेंगे, फिर मैं आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, साथ ही गुजरात की आम आदमी पार्टी की बहुत विश्वसनीय मेहनती लीडरशिप और मीडिया के सभी साथी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत को विकसित देश बनने के लिए एक बहुत शानदार शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है। बिना शानदार व्यवस्था के, हर बच्चे के लिए शानदार शिक्षा व्यवस्था के बिना भारत विकसित देश नहीं बन सकता, भारत दुनिया में नंबर वन देश नहीं बन सकता। मुझे बहुत खुशी है कि माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में एक शिक्षा क्रांति शुरू हुई और उनके नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में उनके विजन पर चलते हुए आज दिल्ली में दिल्ली के हर बच्चे के लिए फ्री शानदार विश्व स्तरीय शिक्षा सुनिश्चित की गई है। दिल्ली में पैदा होने वाले हर बच्चे के लिए आज शानदार शिक्षा उपलब्ध है। दिल्ली के हर माँ बाप आज इस बात से संतुष्ट हैं कि हमारे बच्चे के लिए केजरीवाल जी ने शानदार स्कूल बनवा दिए हैं। इसी तरह का काम अब पंजाब में भी शुरू हो गया है। केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, वहां भगवंत मान जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो पिछले 5 महीने के अंदर अंदर इतनी तेजी से काम कर रही है शिक्षा पर कि आप देखिएगा बहुत जल्द वहां पे बहुत शानदार स्कूल देखने को मिलेंगे और वहां की रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अच्छी शिक्षा आज गुजरात के भी हर बच्चे का हक है, वो चाहे गांव में रहता हो, चाहे कस्बों में रहता हो, शहरों में रहता हो, वो सरकारी स्कूल में पढ़ता हो या प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो, अच्छी से अच्छी शानदार शिक्षा आज गुजरात के भी हर बच्चे का हक है। तो आज मैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आप सबके बीच आम आदमी पार्टी की तरफ से गुजरात के हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि आज से हम सपना देखना शुरू कर दें कि हम अपने बच्चों के लिए, गुजरात के एक-एक बच्चे के लिए, गुजरात में पैदा होने वाले हर एक बच्चे के लिए एक शानदार शिक्षा की व्यवस्था लागू करें। और वो शानदार शिक्षा की व्यवस्था गुजरात के गांव देहात से लेकर शहरों तक हर जगह लागू होगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि शहर के कुछ स्कूलों को अच्छा करें जैसा दिल्ली में हर स्कूल को किया। तो इसलिए आज मैं आपके बीच में अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, केजरीवाल जी की शिक्षा गारंटी के रूप में गुजरात के सामने कहना चाहता हूं कि आप सब अरविंद केजरीवाल जी को मौका दें
गुजरात के सभी पेरेंट्स जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, या वो सभी लोग साथ साथ जो चाहते हैं कि गुजरात का आधार मजबूत करने के लिए, गुजरात को विकसित आगे बढ़ाने के लिए हर बच्चे को शानदार शिक्षा मिलनी चाहिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से, केजरीवाल जी की तरफ से गारंटी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद गुजरात के हर बच्चे के लिए फ्री और शानदार शिक्षा व्यवस्था गुजरात में दी जाएगी, फ्री और शानदार शिक्षा व्यवस्था। दूसरा, गुजरात के हर सरकारी स्कूल को दिल्ली की तरह से इतना शानदार बनाया जाएगा जैसे कि बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल होते हैं, जैसे हमने दिल्ली में हर सरकारी स्कूल को उतना शानदार बनाया। और यहाँ के सभी विद्यालयों में टीचर्स की जो कमी है, वो टीचर्स की कमी तुरंत भर्ती करके दूर की जाएगी, किसी भी स्कूल में टीचर्स की कमी नहीं रहने दी जाएगी। मैं खुद गुजरात के स्कूलों में गया था और मैंने देखा था कि टीचर्स भी महीने महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर हायर किए जाते हैं, परमानेंट टीचर्स हर स्कूल में पूरी भर्ती करके किया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्राइवेट स्कूल में जिनके बच्चे पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों की दिल्ली में भी केजरीवाल जी की सरकार से पहले ये समस्या थी कि वहाँ फीस बहुत मनमाने तरीके से बढ़ाते हैं और पेरेंट्स एक बार अपने बच्चों को दाखिला तो करा लेते हैं लेकिन उसके बाद उनके हाथों लुटने पर मजबूर होते हैं। हमने दिल्ली में करके दिखाया है और गुजरात में भी करके दिखाएंगे केजरीवाल जी के नेतृत्व में कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की फीस किसी भी प्राइवेट स्कूल को नाजायज रूप से नहीं बढ़ाने दी जाएगी। तो इससे गुजरात के एक एक बच्चे को अच्छी शानदार फ्री शिक्षा की गारंटी मिलेगी। आज केजरीवाल जी की तरफ से मैं आपके समक्ष ये गारंटी रख रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि गुजरात के लोग अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा के लिए केजरीवाल जी की इस गारंटी के आधार पर केजरीवाल जी को एक मौका जरूर देंगे। धन्यवाद। अब गुजरात में लगभग 1 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं, उसमें 53-54 लाख बच्चे सरकारी स्कूलों में जाते हैं और 44 लाख के करीब बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। दोनों के साथ धोखा होता है, जो प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं उनकी फीस मनमानी बढ़ा देते हैं, उनको ज़बरदस्ती करते हैं उनके साथ, और जो सरकारी स्कूलों में जाते हैं सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। तो अभी जो मनीष जी ने अभी आपके सामने पूरा खाका रखा, उससे गुजरात के इन 1 करोड़ बच्चों का भविष्य सुधरेगा, ये बहुत बड़ी बात है। तभी गुजरात की तरक्की होगी और तभी देश की तरक्की होगी। और ये जो आज स्कूलों की और शिक्षा व्यवस्था की बहुत बुरी हालत है, ये भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के कुशासन का नतीजा है।